बड़ी रोचक कहानी, बड़ा रोचक दास्तान सिद्ध करूंगा, चाहे देवी रूप हो चाहे देव रूप हो, शक्ति एक होती है बाबूजी, शक्ति एक है। इसलिए चर्चा करने जा रहा हूं एक शक्ति की, आपके सामने भूमिका में भाव है। चंद्रमा चंद्रमा के बिना चांदनी कैसे चमके, बिना सूर्य के ना किरण जगमगाए, बिना साज के सूर्य गीत अधूरी, बिना तार के कैसे बीड़ा बजाए। अरे बेचू बिना बीत नारी का जीवन, वो नारी सुहागन कहती नहीं है। ए बाबू बतावल गल, बेचू बिना बीते नारी का जीवन, वो नारी सुहागन कहाती नहीं है। हमार नारी हो चाहे आप लोगन का नारी हो या सकल समाज की नारी हो, बिरहा में कहीं कव्वाली लगल, कौन सी कव्वाली मुन्ना आओ। क्या बात है मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, एक लाइन हम गाई ले में वो मार लीजिए मास्टर। मेरे नसीब में, अरे नसीब में नबी जी, मेरे नसीब में अब वो खुशी की रात कहा, मेरे नसीब में अब वो खुशी की रात। किसी की जुल्फ कहीं, किसी की जुल्फ कहीं यार मेरा हाथ कहाँ। क्या बात है दियो बेटा, श्रीमान अर्जुन बाबू की ओर से 151 रुपया और 100 रुपये का पुरस्कार, श्रीमान मुन्ना लाल बाबू प्यार सब लोग फक्कड़ भी कहल जला ता विराम बड़ी भी जोर लाइन कर लिखे कैसे मास्टर आओ। पति के साथ में, पति के साथ में नारी सती जो होती है, होती है पति के साथ में नारी सती जो होती है, होती है होती है, वो नारी कभी
ओ नारी कभी सुहाग नहीं खोती है। अरे दियो बेटा पति के साथ में नारी सती जो होती है वो नारी कभी सुहाग नहीं खोती है। ऐसे कहानी की शुरुआत होगल बाबू तनिष्ठा गौर करिए, बड़ी छोटी सी कहानी। कैसे मास्टर आओ बेटा। हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, कल कल बालों ने गुर गुर गालों ने। तो यही नारी कभी बहना कभी मतरिया हो, यही नारी कभी बहना कभी मतरिया हो, यही नारी कभी बेस्या कभी बतुरिया हो। यही नारी लुटाती अस्मत भी बेस्यालय में, यही नारी लुटाती अस्मत भी बेस्यालय में, यही नारी पुजाती देवी बन शिवालय में। रही एक नारी जो व्यवसाय का काम करती थी, रही एक नारी जो व्यवसाय का काम करती थी, मगर वह नेम से कथा पुराण सुनती थी। एक दिन पंडित जी, एक दिन पंडित जी नारी कथा सुनाई है, एक दिन पंडित जी नारी कथा सुनाई है, नारी धर्म को पतिव्रता बताए हैं। इतने कहानी मिलल, कहानी मथुरा नगर से लेवल गल। मथुरा नगर में एक पिंगला नाम की बेस्या रहती थी। ओकर काम का रहा वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति देह व्यापार, मतलब काट काट के बेच दे, दे याद रहे, देह व्यापार में लिप्त रहे आदमी, आवे रुपया पैसा दे बढ़िया हो, आनंद पानी ले फिर चल जाए, लेकिन ओकर नियम बड़ा बढ़िया रहे। शाम के सुते से फिर सवेरे उठे तो गाय का गोबर लिया के आंगन लिपे, चौक बनावे, बगल से पंडित जी के बुलावे, भाई पांच कथा सुने। तब कहा भगवान का पांच अध्याय कथा सुने, रोज पंडित जी के दान दक्षिणा दे के विदा करे। ये भैया आज पंडित जी के कथा वहां पहुंचल है कि हर नारी पतिव्रता हो सकती, हर नारी पतिव्रता हो सकती है। तब से पिंगला बेस्या पंडित जी के पोथी पतरा पर से दिमाग हटा दिले। कले बाबा रुका, उमन लिखल कि खाली बर्दस्ता बताओ हुआ। कले नहीं बेटी, लिखा हुआ हर नारी पतिव्रता हो सकती है। कले के तब तोहके पता ना है, वो गलत लिखल है, हमहू तो नारी है, का हम पतिव्रता हो जब का। कले अवश्य, कले रे बाबा सुन ले कि पतिव्रता नारी ऊ होली जे एक पति के साथ में जरे मरे सुते बैठे हर कर्म करे, पराया मर्द के परछाही तक न पड़े, वही नारी पतिव्रता होती है। आ तू कथुआ के हम हो जा, तो के पता ना हो दिनवा भर में हमारे 35-40 के पति हो जाल, लगन में थोड़ा ज्यादा हो जाल, तो हम कैसे पतिव्रता हो। कल बेटी एक नियम बनावे को ही अपनाओगी नियम हो जाओगी पतिव्रता। अच्छा कैसे कल बाबू तर्ज बदल गई, कौन की थी मुन्ना आओ। जानती अंधे घारी,
अरे मंगला मौगी घरी पहन के गेरुआ सारी सजनवा हमरा की बलमुआ हमरा के सजनवा हमरा की धराई द पटना से कौन गाड़ी पंडित जी से सवाल का कैलस कले हे गुरुदेव हमरे मन का भ्रम दूर करी का कले मास्टर देवश्या बोली अरे देवश्या बोली पंडित जी से कहे धर्म छिपाला ये बाबा हमरा ना बतौला सबसे पहले जे कोई आवे वही के पति बनावे ए गुरु जी हमरा के ए बाबा हमरा की बतिया कहना बतौला लेकिन याद रहे बाबू पिंगला नाम के अभिष्या कथावाचक पंडित जी से कहती है ए बाबा हमहू पतिव्रता हो जा कल अवश्य बेटी पहला ग्राहक जो तोरे दरवाजे पे आवे ओके अपना ले चाहे वो कैसनो हो करिया हो गोर हो काना हो कोचर हो चाहे दत में पोर हो निशुल्क कोई चार्ज ना ले के पहला ग्राहक भी आवे ओके तन मन से तन से और मन से अपना ले बेटी तो पतिव्रता आज भी इससे पहले जौन भैल होके भूल जो कल ये बाबा जब यह करे खत आज से और अरे राम चरनिया धोवे पियूकत पिंगला करती प्रेम पिया से मालिक से लगनिया रे लगनिया रे लगनिया चरनिया धोवत पिंगला करती प्रेम पिया से मालिक से लगनिया चरनिया धोवे पियूक पिंगला अब दिमाग बदल गए धंधा पानी में तो रहबे कर लोग आवे जाए लेकिन भगवान से लगन लग गए ई मन जोन हो मन के गति आत्मा के गति परमात्मा से जुड़े लगल समय कितना भल तनी हई देखा बाबू कितना समय भल मास्टर एक वर्ष एक दिन जब भयल तजे बेस्या के कोठा बजाई तन बदन का हबस बुझावे बदे
वो 24 घंटा थोड़ो रहे। पिंगला कलश के बाबा ये कैसे हुई, महिला पहला ग्राहक कोनो गयार भैंसवार आई गल, रिक्शा चला वाला गरीब आदमी, अवके मंदिर ले जाए के तन मन से पति मानी, तब से बड़का ग्राहक आ जाए 1:47 ले ले, तब तक गरीब बाबा के निकाल दी अपने भीतर आ जाई, तब तक भैली न हम पति बरता कल ये बेटी न सदा दिन तो मात्र 24 घंटा 24 घंटा एक आदमी के पति मान के अंदर रख सके ली। कल इतना तो कही ले ए बाबू जे जाए बेचा के कोठा पर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा वो तो सोचा कि 24 घंटा रहे, लेकिन कहाँ लोग रह पाई जे गए झटका नटका में अपन मरल पिटल निकल गए। यह करत मालूम है कितना दिन बीतल, कोई 8 घंटा से बेसी ना टिकल, 1 वर्ष 1 दिन जब बीतल तब भगवान का आसन हिले लगल, बच गई ना दुनिया के मालिक का आसन हिले लगल कि पिंगला बेस्या बेस्या व्रती करते हुए भी पति व्रता हुए के अनुष्ठान कर लस तेकरे सतीत्व के परीक्षा लेवे के। अरे एक दिन होती सबीर प्रभु जी, एक दिन होती सबीर प्रभु जी पहुंच गए बेस्या के घर, अरे रूप बदल के कोढ़ी बन के भला दीप मवाज चुए धर धर, अरे मुग्ध हो गईली जानम हम अब चांद से तुहरे सूरत पर, अरे राम पिताई बधनिया हम हूँ, राम पिताई बधनिया हम हूँ तुहरे से दिया के ऊपर, अरे तुहरे से दिया के स्वयं भगवान पहला ग्राहक रूप में आज आ गए। पिंगला के दरवाजे पर पहला ग्राहक का रूप बना के आगलन भेष कोढ़ी कर रहा है। 6:30 बजे अंगुरी के ककपोर कटल है, देह से कोढ़ चुवत है, बड़ा घिनौना रूप है। देखला जब पिंगला का सूरत कला हाय हाय, क्या सुराहीदार गर्दन है, क्या नागिन जैसे बाल हैं, क्या गुलाबी होठ है, टमाटर जैसे तेरे लाल लाल गाल हैं, पेट तो पूरा इनके पाती जैसा है, गहरी झील जैसे तेरी आंखें हैं। जब कहले कि पेट तो तेरा पूरा इनके पाती जैसा, तब से पिंगला बिगड़ गया। कहले कुढ़िया का देखा, कहले आगे बढ़ आगे बढ़, अभी हमारे ना बोहनी बिल तो तू कोढ़िया के बोहनी बिगारे चक्कर में, निकल जो निकल जो। भगवान समझ गए कि हमके भिखारी समझते हैं, कल अरे भगावा मत हो, हम तुहार पहला ग्राहक है। काले बुआ अपन रेट बोला, काले बुआ अपन रेट बोला। पंडित जी कले लन कि पहला ग्राहक जो आई उससे कोनो रेट ना ले, करिया हुई कोढ़ी हुई काना हुई गोर हुई काना कुचर कैसनो हुई उसे कोनो रेट ना ले, निशुल्क सेवा करे। तब पिंगला बिस्या नाम के बाबूजी कलश की कहा भगवान आज हमरे नसीब में कोढ़िए है। तब बोले उलस कलश आवा अंदर, आवा ले गिल अंदर, कपड़ा निकलो ले कल बड़ा महकत हुआ, नहले ना हुआ लगत है, पहले कपड़ा उतार दे आपके नहवा धोवा दे, कहा आपके मौका मिलत हुई, जब कपड़ा भगवान के बदन से उतार दिले बाबू तब बार के बराबर भी जगह ना रहो बचल जहां जखम न हो, जखम रहल जखम से कोढ़ पी बवा चुवत रहल हल हल
आदमी सोचत इतना भगवान घिनौना रूप बनौले कि कैसो घिना जाए भाग जाए, लेकिन पिंगला मालूम है का कह तर्ज बदल गई। कौन गीत बाबू? पिछवा के बोलत हो चाय बनावत हो सैया जन जा तू सूते दलानी में हो राजा जन जा तू सूते दलानी में अगिया लागल हमारी जवानी में अगिया याद रहे बाबूजी पिंगला बिस्या भगवान कोढ़ी रूपी भगवान के बाल्टी के पानी गिरा के वही अंगना में नहवावत है। अब कहे का कहे अब ही ना देख लो अब ही ना देख लो हमारे अब ही ना देखला हमारे तू पानी के हो या लूटा तू हमारी जवानी के अवा लूटा तू हमारी कोढ़िया के मल मल के खूब नहावाई इतर छिड़ी के ना तनिको भी नाई लेला चुम्मा लेला चुम्मा तू चेहरा नूरानी के होया वलूटा तू हमारी जवानी के नहवा धोवा के तौलिया से देह पोंछ के थोड़ा स्प्रे वगैरह भरलस मार के जब अपने बेडरूम में ले गई। जब बेडरूम में लगे तब का भेल मास्टर तन से पढ़ा दे बेटा आओ सेज सजा के ले गई कश्मीनी अपने कोठरी में आ तेल लगा के दबैली शरमिया अपने कोठरी में सीथी भाई बदनिया अपने कोठरी में और बेसा के दिल भारी भाई गलनिया अपने कोठरी में गला मालूम है का के भगवान लगन उल्टी करे तो सोचे थे नहवा दली पांच सात बल्टी बुझाता जड़ाए गिले ना जवानी का सच्चा जवानी नहीं जवाइन का। अब भगवान का एक बेडशीट बदल को ही पर सुता के गांव में दो चार थे झोला छाप हकीम बैठ डॉक्टर हो बुलावत है कैसे मास्टर आओ गोरिया बोलऊ लसी सेवा करत 22 घंटा बीतल श्री मान अरे सेवा करत 22 घंटा बीतल श्री मान शेष 2 घंटा का बच गेल समय गोरिया कहले कमन करी हम निदान काम नहीं करे ये कुसुई दवाई
काम नहीं करे ये कुश्री या दवाई। अरे तम कम कोड़िया का छुटकर परान हो डॉक्टर हकीम बैद सबायल और सब दवाई इलाज करता है, लेकिन बाबू मालूम है का भेल? 22 घंटा बीतत बीतत पिंगला के बेग पर कोढ़ी रूपी भगवान का प्राण छूट गए। भगवान गुजर गईला ते मन चिले गेले के कौन बात है? अंतिम समय है अब। भगवान गुजर गेले तो लोग चिल्लात हुआ, लेकिन याद रहे बाबू पिंगला छाती पीट पीट कर रो थे। गाँव के लोग जुटने, गाँव के प्रधान जी गेले कले रे पिंगला ई के हरे कले बाबू ये हमार पति देवता हूँ कले हरे तू रजत सिंगार पटार के द्वार पर खड़ा होली धंधा पानी चला ली अपने आदमी के घरे में सराय के मुआ ढली कले बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हूँ मेरा पति मेरे देवता है। इन्हें आप लोग शमशान तक पहुँचवा दा प्रधान जी अपने कृपा करा। प्रधान जी जनाजा सजल लेके शमशान घाट पर लोग पहुँचले। लाश चिता पर रखल गई, जब चिता पर लाश रखाई तब पिंगला डाक को ही चिता पर जाके बैठ गई गोद में कोढ़ी रूपी पति का लाश लेके। कलश के गांव का लोग जब दुनिया में हमारे पति नहीं तो हम जिंदा रह के का करो? कोई जाने आग लगा दे जा चिता में जल जाओ, जल के अपने पति के साथ सती हो जाओ। गौआ का लोग कल के अपने आदमी के सराय के मुआ ढलस आज ये जर के जब मर जले मैं गऊ है 302 के मुजरिम हो जाइए तैसन तने वही में कल मरदवा फूंक दे जा जर जाओ गांव का लड़का खराब होत रहा। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लगल चिता में आग। अच्छा चिता में आगी के लगा वाला अपने परिवार का लोग हो चाहे अपन बेटी बेटा धी खानदान का लोग आपन लोग जो रहला वह चिता में आग देवेला। या था गांव का प्रधान जी तक का भल मास्टर तन से पढ़ा ले बेटा लोग चितवा में आग लगाए तई घारी चार भुजा वाला रूपवा दिखाए तबहारी धाय धाय जले लगल। इतने में पूरा गांव का लोग शमशान छोड़ के नवदू भाग निकलने। तब से मालूम है जब वहां शमशान में को आदमी ना रह गए तब जौन धाय धाय चिता जलत रहल एका एक बुझ गई सारी लकड़ी बच गई। तू लकड़ी के चक्कर में हुआ ओकरे गोद से कोढ़ी पति के लस्सी लापता हो गई। कोढ़ी रूपी भगवान का लाश लापता हो गई। आ पिंगला वही चिता पर लगल खोजे के रन कोढ़ी है केहर गईले केहर गईले। तब से सामने से प्रगट चार भुजा वाला मालिक पदम शंख लहले भगवान प्रकट हुए आवाज दिए अरे पिंगला किसको ढूंढ रही है? मैं तो यहाँ हूँ। धन है प्रभु धन है आशीर्वाद। चार भुजा वाले मालिक चक्र नाचत है पदम संखली। चार भुजा वाले मालिक प्रकट हुए कहे कि पिंगला किसको ढूंढ रही है? मैं तो यहाँ हूँ। ताकत हुई चिता पर खड़ा है प्रेम का आंसू छलके लगल कलश के प्रभु आप कला हाँ आप आपके बेड पर 22 घंटा आप बेड से सेज से 2 घंटा शमशान तक तोर पूरा 24 घंटा भल पिंगला 22 घंटा तोरे सेज पर आ सेज से 2 घंटा शमशान तक तोर 22 घंटा 24 घंटा पूरा भल पिंगला मांग ले जो मांगेगी मन मान छिफल मिलेगा। कलश के प्रभु आप कोढ़ी के रूप में
कहा मांगी प्रभु आपके ऊपर अमन जाने में अपन पैर फेंक के खींचत ली अपने हो रही नापाक पैर आपके मलमल के नापाक हाथ से आपके नहोली धोली करे पिंगला उससे क्या हम तू डिगी नहीं मैंने बहुत घिनौना रूप बनाया लेकिन तू डिगी नहीं हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं हम जो है भगत का भेष नहीं देखते हैं भगत के हृदय के पटल की भावना देखते हैं हम तो कबो कबो सदन कसाई के तराजू के पलरा पर भी तौलाइला अतरे खोतरे कुल जाइला मतलब बिलारी का बच्चा बचाइला कुहारे के आवाज से ये बात सही है कुम्भार के आवाज से बिलार के बच्चा हम ही बचाते हैं और तराजू के पलरा पर सदन कसाई के तराजू के पलरा पर हम ही तौलाते हैं प्रहलाद को बचाने को होता है तो खंभा फाड़ कर हम ही आते हैं हम तो घट घट में है पिंगला हम भी पिंगला बिस्या के सेज पर 22 घंटा बिताते हैं हम ही मांग ले पिंगला के आंख से आंसू छलकत हल्क कलश के प्रभु बड़ा खुश हुआ तो आपके ई अनुष्ठान के लिए हमार 1 वर्ष 2 दिन भेल एकरे बीच में बड़ा पति अइले बड़ा पति गइले लेकिन लइका एको ना भइले का करें भगवान लइका हो अरे भैया वह डालल वह निकालल ये बात सही है कल प्रभु बड़ा पति अइले गइले हमरे जीवन का सहारा कोई नहीं मिलल ता बड़ा अगर आप खुश हैं तो खे दे बेटा मत दही बेटी मत दही आप स्वयं बेटा बन के हमरे गोद में आई हम आपका माई बनो आप हमार बेटा बनो आपके गोद में लेके बैठल तो बड़ा सुख मिलत रह भगवान के जुबान पर ताला लग गल मंगते ना ले मंगलस तो ई नुह कहत के बेटी चाहे बेटा दे दा ई कथे स्वयं तो बेटा बन के आवा भगवान 2 मिनट तक रुके उसके बाद कहे जाओ पिंगला यो मस्त ऐसा ही होगा हम इस युग में किसी और का बेटा है हमारी कोई और माँ है लेकिन आएगा घोर कलयुग इस धरती पे तो हम उस समय तुम्हारा बेटा बनकर आएंगे तू मेरी माँ बनोगे लेकिन किस रूप में नदी नारायणी तुम बनोगी नदी नारायणी तुम बनोगी इच्छा ही हमारी शालिग्राम हम देवता बनबे तू हमारी महतारी तू नारायणी बनोगी मैं नारायण बनूंगा तुम्हारे गोद में हम हमेशा स्नान करेंगे हमेशा हर हिंदू भाई पूजा पाठ करके हमें तुम्हें बुलाएंगे तक कच्चा गाय का दूध में गंगा जल तुलसी दल डाल के पंचामृत बनेला और नारायण को पुरोहित देवता कहते हैं कि जरा सा स्नान करा दो नारायणी के गोद में तो शालिग्राम देवता को नारायणी में लोग स्नान करा करके तब वेदी पर बैठाते हैं तो नदी नारायणी शालिग्राम पुजारी हर घरी चार भुजा वाला रूपवा दिखाए तबहारी ये रहा एक अनुष्ठान कथा आपके बीच में प्रस्तुति रही गुरुदीन मोहम्मद राम सोक सिंह सुबदन की बानी कथन करें भरीदार संगम्बिका दे चुके चरणिया धोवत पिंगला